2015 में मुझे स्पॉटिंग शुरू हुई थी पास वाले हॉस्पिटल में. मेरे बायोप्सी हुई, डायग्नोस हुआ कि कैंसर है. तो मैंने उन डॉक्टर से ही पूछा मैं किसको दिखाऊं, तो उन्होंने रेफर किया. मैक्स पास भी पड़ेगी और अर्चित पंडित इसके लिए सही है. जैसे मैं मैक्स हॉस्पिटल आई, अर्चित पंडित से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा ये दो ऑप्शंस हैं, एक लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं और दूसरी ओपन. ओपन में ज़्यादा स्टिचेस आती हैं, लेप्रोस्कोपी आसानी से होती है. आपके स्टेज फर्स्ट है तो हो सकती है. मैंने फिर ऐसे ही लेप्रोस्कोपिक की करवाई. मेरी स्पीडी रिकवरी भी हुई. मैं 5 दिन में घर भी आ गई. उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. अब फॉलो अप कर रही हूँ. मिसेस भारती गिदवानी की सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई और वो 4-5 दिन में वापस घर चली गई. उनका ऑपरेशन हुआ है और उनका रेडिएशन हुआ है और वो पूरी तरह से कैंसर से क्योर्ड है आज की डेट में. मैं सबको यही सलाह दूंगी, जितनी जल्दी आप अपना चेकअप करवा लो ज्यादा सही. मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग से मैं बहुत खुश हूँ. जो भारती गिदवानी जी ने भी बोला है कि सभी औरतों को अपना कैंसर का चेकअप, अर्ली चेकअप टाइमली कराते रहना चाहिए. बच्चेदानी के मुंह का चेकअप सिर्फ एक पैप स्मियर से हो सकता है. एंडोमेट्रियल कैंसर का चेकअप जिनमें हाई रिस्क है, जिनमें होने की संभावना है, उनमें एक अल्ट्रासाउंड बहुत होता है. हर पेशेंट को ये चीज़ टाइम टू टाइम करा लेना चाहिए.